तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ तीर्थ परमार। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको WhatsApp की कुछ ऐसी अमेजिंग ट्रिक सिखाने वाला हूँ जो आपको कभी पहले मालूम नहीं होगी। दोस्तों, आप में से हर कोई अब तो WhatsApp का यूज़ करता है, लेकिन दोस्तों WhatsApp की कुछ ऐसी अमेजिंग ट्रिक होती है जो आपको मालूम नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको WhatsApp की कुछ ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जो आप सीख ले गए तो चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ट्रिक ये है कि दोस्तों आप किसी बंदे को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, और दोस्तों जब आप मैसेज करते हैं और मैसेज करने के बाद जो एक घंटे का टाइम हो जाता है, तो दोस्तों आपका मैसेज अनसेंड नहीं होता है, यानी कि आप उस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी हैक सिखाऊंगा जिससे आप किसी भी पुराने मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं, कितने सालों पुराने भी मैसेज को आप डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिक के लिए। तो दोस्तों, अभी मैं इस ट्रिक को ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं अभी मेरे मोबाइल फ़ोन में 3:21 हुई है, और इस बंदे को मैंने 2:02 को यहाँ पे मैसेज भेजा था। दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे WhatsApp का 1 घंटे का टाइम हो चुका है मैसेज भेजने का। तो दोस्तों, आप देखते हैं यहाँ पे मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस मैसेज को मैं आपको सिंपली से डिलीट फॉर एवरीवन कैसे करते हैं वो आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए सिंपली से आपको पहले अपने WhatsApp की फाइल को निकाल देना है। दोस्तों, आप अपने WhatsApp की फाइल निकाल देते हैं, बाद में आपको अपना मोबाइल डाटा ऑफ कर देना है, और सिंपली से आपको अपनी मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। दोस्तों, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में आते हैं, दोस्तों यहाँ से आपको अपने मोबाइल फ़ोन की मोर सेटिंग में चले जाना है। मोर सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ऐप मैनेजर में जाना है। दोस्तों, ऐप मैनेजर में आ जाते हैं आप, तो यहाँ पे आपको ऐप मैनेजर में व्हाट्सअप का यहाँ पे व्हाट्सअप में चले जाना है। ऐप मैनेजर में व्हाट्सअप में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से सिंपल से आपको यहाँ से फॉर स्टॉप कर लेना है। दोस्तों, इससे कुछ होगा नहीं, यहाँ से सिंपली से आपको फर्स्ट अप कर लेना है, बाद में बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको डेट एंड टाइम में चले जाना है। और दोस्तों, यहाँ से सिंपली से यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम अभी ऑटो होगा, तो इसे आपको ऑटो डिसेबल कर देना है। और आपको जिस भी टाइम जो टाइम आपने मैसेज किया था वो टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि हमने उसे 2:21 को मैसेज किया था, तो यहाँ से हम 2:21 से बाद वाला कोई एक घंटे के अंदर का टाइम ले लेते हैं। यहाँ से हम 2:25 ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ से हम ले लेते हैं टाइम को, और दोस्तों यहाँ से जो आपको बहुत साल पुराना 1-2 दिन पुराना जो मैसेज डिलीट करना है, तो यहाँ से आपको डेट भी चेंज कर देना है। और दोस्तों, अब हम आते हैं, यहाँ से हम इस फाइल को निकाल देते हैं और हम आते हैं अपने व्हाट्सएप में। दोस्तों, अभी हम अपने व्हाट्सएप में आते हैं। दोस्तों, जैसे आप अपने व्हाट्सएप में आएंगे, अभी हम व्हाट्सएप में आ जाते हैं, और आप देखोगे कि ये कमाल हो गया होगा, यहाँ से हम अब इस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम इस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी ये आप सोचेंगे कि ये डिलीट फॉर एवरीवन हमारे मोबाइल फ़ोन से ही अकेला ही होगा। दोस्तों, नहीं, ये उस बंदे के मोबाइल फ़ोन से भी डिलीट फॉर एवरीवन हो जाएगा। तो दोस्तों, सिंपली से अब इस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? जो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।